दोस्तों, दादा बर्मन को सफलता 41 साल की उम्र में मिली, लेकिन उन्होंने अपने मीठे और मधुर संगीत से अपने आखिरी समय तक लोगों को दीवाना बनाया और अपने डिमांड बढ़ाई। 1964 जब 58 साल की उम्र के दादा बर्मन थे, फिल्म गाइड का म्यूजिक बन रहा था, सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड हुआ था और उस वक्त उनको पहला माइनर अटैक आया। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, देव साहब ने सुना तो वो भी यूएस गए हुए थे अमेरिका, सीधे वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे और दादा से मिले। दादा बोले कि देव, एक गाना मैंने बना दिया है, बाकी के जितने भी गाने हैं या तो जयदेव से बनवा लो या तो आरडी से बनवा लो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 4 महीने तक आप कोई गाना नहीं गाएंगे, कोई रिहर्सल नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। 4 महीनों का समय बहुत होता है, मुझे कुछ भी हो सकता है। तो देव साहब बोले, दादा पहली बात तो ये कि आपको कुछ नहीं होगा, और आप बोल रहे हैं किसी और से ये म्यूज़िक बनवा लिए, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। भगवान ने चाहा, अगर भगवान की यही मर्जी है, अगर आपको कुछ हो भी गया तो यकीन मानिए आपने जो एक गाना बनाया है, सिर्फ उस एक गाने के साथ ही मैं गाइड रिलीज करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इतना प्यार और इतना विश्वास देव साहब को था कि भगवान ने उनकी बात सुनी और दादा अच्छे हो गए और गाइड के सारे गाने बन गए। तो उस वाक्य को याद करते हुए आइए, तो देव साहब और दादा बर्मन के विचार मिलते थे उस पर, रफी साहब की आवाज का एक बहुत ही प्यारा अंदाज सुनते हैं फिल्म गाइड से। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राय हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राय हम
लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा, लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां बहुत बहुत धन्यवाद।